हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है। दोस्तों, ये वीडियो नहीं बनाता था लेकिन काफ़ी स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है कि सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम था वो 14 फेब से चालू करने वाला था। मतलब आज के दिन से एग्ज़ाम काफ़ी बच्चों का चालू होने वाला था, FY BCom FY BA सभी बच्चों का चालू होने वाला था, लेकिन जो नहीं हुआ, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया, टाइम को चेंज कर दिया, और काफ़ी स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है। जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, ये खासकर वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है, तो और भी लोगों के लिए भाई। और हाँ, ये वीडियो अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। मैं हर मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे पुट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि इधर देखिए लिखा हुआ है, मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल के बच्चों के लिए है, रिवाइज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफलाइन एग्जाम फॉर जुलाई सेशन के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, और इस बार का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन है, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, जुलाई सेशन के बच्चों का है, और ये CBSE सेमिस्टर पैटर्न के स्टूडेंट का है। तो अगर कोई एनुअल पैटर्न का अगर बच्चा ये देख रहा है कि ये उनका टाइम टेबल है, तो नहीं दोस्तों, ये आपका नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ जाना कि जो सेमिस्टर पैटर्न के स्टूडेंट है उनका है, और जुलाई सेशन के स्टूडेंट का है, ऑफलाइन एग्जाम है। तो आपके तीन डाउट इधर ही मैं इस जगह पे क्लियर कर दिया हूं। अच्छा, चलिए हम अभी आगे देखते हैं। जैसे कि आपको इधर दिख रहा है टाइम शेड्यूल, एग्जाम का टाइम क्या है पूरा हम देखते हैं। सेमिस्टर वन FY BA फ्रेशर एंड रिपीटर दोनों स्टूडेंट का, अच्छा अभी एग्जाम टाइम टेबल नहीं आया, एग्जाम कब से कब होने वाला है उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट आया हुआ है। 3 बजे से लेके 6 बजे तक का एग्जाम टाइम रहेगा, तारीख जो है वो 10 मार्च से लेके 17 मार्च के बीच में डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा आपका एग्जाम का। देन सेमिस्टर वन FY BCom के बच्चे जो होंगे फ्रेशर और रिपीटर, सेम टाइम है, 3 to 6 का टाइमिंग है, और जो इनका डेट ऑफ एग्जाम है वो 10 मार्च से लेके 17 मार्च तक का होने वाला है। तीसरा जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सेमिस्टर फर्स्ट FY BCom, ठीक है, फ्रेशर एंड रिपीटर दोनों स्टूडेंट के लिए है, टाइमिंग जो इनका है वो टाइमिंग है 11 to 1:30, इनका भी सेम डेट है, एग्जाम डेट 10 मार्च से लेके 17 मार्च। दोस्तों, जो चौथे नंबर पे दिया गया है वो सेमिस्टर टू के बच्चों के लिए है, FY BA रिपीटर स्टूडेंट के लिए, और नीचे भी देख लीजिए, सेमिस्टर टू FY BCom रिपीटर और सेमिस्टर टू FY BCom रिपीटर, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस AS, मतलब जो आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो स्टूडेंट है BCom के, ये उनके लिए टाइमिंग सेम है, 11 to 2 o'clock का टाइमिंग है आप लोगों के एग्जाम का, और इनका जो डेट है वो 29 मार्च से चालू होगा, 8 अप्रैल तक का आपका एग्जाम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सेमिस्टर थर्ड SY BA और SY BCom और SY BCom फाइनेंस बोलते हैं ना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बच्चे। अच्छा, जो सेमिस्टर थर्ड FY BA वो फ्रेशर और रिपीटर दोनों के लिए ये टाइम टेबल है, SY BCom फ्रेशर एंड रिपीटर दोनों के लिए, लेकिन जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वो ओनली फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। टाइमिंग देख लीजिए दोस्तों, इधर आपको दिख रहा है 3 to 6 है, लेकिन जो फाइनेंस के बच्चे हैं उन फ्रेशर स्टूडेंट उनका 11 to 1:30 है। तारीख जो दोस्तों आपके एग्जाम का होने वाला है वो 18 मार्च से चालू होगा, 28 मार्च तक का चलने वाला है, मतलब आप लोगों का एग्जाम मार्च में चालू होने वाला है, इन शॉर्ट कहने जाओ तो। हम देखते हैं फोर्थ सेम के बच्चों का, दोस्तों रिपीटर है SY BA SY BCom, इनका टाइमिंग सेम है 11 to 2 o'clock, 10 अप्रैल से चालू होगा, जो 19 अप्रैल तक का चलने वाला है। अच्छा, ये एग्जाम अप्रैल में चला गया है। देन उसके बाद PGDFM के जो स्टूडेंट है, सेम वन और सेम टू के, इनका भी टाइमिंग 11 to 2 o'clock है, और इनका एग्जाम 28 फेब से चालू होने वाला, 3rd मार्च, और सेकेंड जो है उनका है 4th मार्च से लेके 9 मार्च। तो दोस्तों, ये आप लोगों का टाइम टेबल बनने वाला है, टाइम टेबल आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, डेट डिसाइड कर दिया गया है कि आपका एग्जाम कब से होने वाला है। शॉर्ट एंड सिंपल में कहने जाऊं तो FY BCom FY BA फ्रेशर रिपीटर अकाउंटिंग फाइनेंस को लेके, SY BCom SY BA SY BCom फाइनेंस के जितने भी बच्चे हैं और PGDFM के जो बच्चे हैं, सभी के एग्जाम दोस्तों मार्च से लेके अप्रैल तक होने वाले हैं, इसके बीच में हो जाएंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा,
सर हॉल टिकट कब आने वाला है, ठीक है, तो दोस्तों और टाइम टेबल कब आने वाला है। तो दोस्तों इधर नीचे कंडीशन दिखा गया है कि टाइम टेबल जो भी है दोस्तों आएगा तो आपके वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। हॉल टिकट जो है आपको आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले आने वाला है, जो अपडेट मैं ही आपको देने वाला हूँ, टाइम टेबल का भी अपडेट मैं ही आपको देने वाला हूँ। तो ये अपडेट अगर आपको चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी आपको इस चैनल पे अपडेट मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको अभी भी क्या डाउट है। थैंक यू सो मच, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।